नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी से। जैसा मेरा आपसे कमिटमेंट था जेई के बच्चों के साथ भी कि हम आपको गुरुनीति जेई के नाम पे 100 वीडियो देंगे, 33 फिजिक्स, 34 केमिस्ट्री और 33 मैथ, जिसका पहला वीडियो कल 19 नवंबर को हमारे प्रमोद ढाका सर और हमारे पटेल सर ने शूट करके अपलोड कर दिया और मुझे बहुत कहते खुशी हो रही है। उस पर हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आज हमारा केमिस्ट्री का पहला वीडियो, बिल्कुल मेरी टीम के वैसे दो युवा मजबूत प्लेयर आप आरसी सर हैं और नवीन सर हैं, दोनों मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, सीएलसी में अब वो लोग आपके सामने खड़े हो रहे हैं क्लासेस में जो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि उनके पास एक ज्ञान है जिसको वो शो ऑफ करना चाहते हैं, वो इसलिए टीच कर रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनका ज्ञान आपके रिजल्ट में कन्वर्ट हो। वो इतना हार्ड वर्क करके आपके साथ जुड़े हुए कि वो उनका हार्ड वर्क आपका हार्ड वर्क मिलके सॉफ्ट वर्क बनके रिजल्ट में कन्वर्ट हो, वो चाहे नीट हो चाहे जेई हो। मैं फिर से याद दिला दूं आपको, नीट की गुरुनीति हमारी 26 अक्टूबर स्टार्ट हो चुकी है, जहां 180 वीडियो है सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे। आईआईटी में दोस्तों टोटल हमारे 100 वीडियो रहेंगे। एक बार थोड़ा शेड्यूल आपको दिखा दिया जाए तो आप देखें, आप टॉपिक देख लें, फिजिक्स में इस तरह रहेंगे। आप ऊपर ले बेटा, ये 19 नवंबर को पहला वीडियो आ गया, ऐसे केमिस्ट्री का आज 20 को पहला वीडियो आ जाएगा। आप लग जाओ, ये वीडियो देख लो, आप अपने स्क्रीन को आप पॉज करके चलते जाएं, रोकते हुए एक बार आगे चलें। ये आपके सामने 33 फिजिक्स के होंगे और 34 केमिस्ट्री ऊपर चले, ये आपके मैथ के रहेंगे। देखो ऐसे मैथ का कल पहला वीडियो मैथ का आपके सामने आएगा। ऊपर चले बेटा जी, चलते जाएं और 6 मार्च को अपना प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ को कह सकता हूं कि आप गुरुनीति जेई के ये 100 वीडियो देख लेते हैं तो जेई मेन को आप बहुत अच्छा ठोकेंगे और एडवांस का बहुत अच्छा रॉ मेटेरियल, बहुत अच्छा आप कह सकते हैं फुटिंग आपके पास इस आपकी बड़ी इमारत के तैयार हो जाएगी। तो फिर से मेरे दोनों यूथ के साथ आप इंजॉय करें क्लासेस को, कल मैथ की क्लास के साथ फिर आपसे मिलता हूं। थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत स्वागत, आप सभी का स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी को पता है कि एक बेहतरीन चीज हमने स्टार्ट कर रखी है, गुरुनीति नीट के वीडियो ऑलरेडी चल रहे थे और आज से हम गुरुनीति जेई के वीडियो भी आपको देंगे। यहाँ जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो प्योरली कंटेंट जेई मेन और एडवांस लेवल तक का है, तो हर एक वीडियो को ध्यान से सुने। मायसेल्फ आरसी देहीवाल केमिस्ट्री फैकल्टी और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड नदीम सर। Hello. तो हम दोनों मिलके नदीम सर के साथ मिलके हम इस नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म के पहले वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। और एक चीज और बता दूं, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है। इसके बाद जीओसी आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सभी के वीडियोज आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द अबव कंपाउंड इज, इस कंपाउंड में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछते हैं और पूछा है, तो मैं नदीम सर स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करें आप बताओ। ठीक है भाई, स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप देखोगे बुक्स में फॉर्मूला भी दिया रहता है, जैसे फॉर्मूले की मैं बात करूं तो आप बुक में देखोगे मेंस का काम तो फिर भी चल जाता है फॉर्मूले से, जैसे आप जानते हो कि स्टीरियो आइसोमर कैसे करते हैं, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाता है 2n, n यहां पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये सारे एक साथ लिखे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि n का मतलब हम ये बोले कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, किसी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, सही बात। बट सर आपने बोला कि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए है, बट ये कंपाउंड मुझे सिमेट्रिकल लग रहा है। तो सिमेट्रिकल के लिए जैसा कि फॉर्मूला होता है, आप इसको ए पार्ट कर लो, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर,
इसमें आप जानते हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2 के पावर होते हैं n माइनस 1 और मीजो होता है 2 के पावर n बाय 2 माइनस 1। सो स्टीरियो आइसोमर मतलब टोटल की बात करें तो वो कितना होता है a प्लस m। इसी प्रकार से अगर b पार्ट में चले जाएं ऑड नंबर ऑफ काइरल सेंटर प्लस आप स्यूडो काइरल सेंटर भी कह सकते हैं स्यूडो काइरल सेंटर, तो a की वैल्यू कितनी होती है 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 2 के पावर n प्लस 1 बाय 2 एंड m इक्वल टू होता है 2 के पावर n प्लस 1 बाय 2। सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अगेन हो जाएंगे a प्लस m। एक तो तरीका ये है कि आप फार्मूला से निकाल सकते हो, बट आप जानते हो कि जेई एडवांस में खास करके इससे काम नहीं चलता, नहीं चलता है। फॉर्मूला केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन ही सोल्व हो पाते हैं, पूरे नहीं हो पाते, पूरे नहीं हो पाते, सही बात है। बेसिकली अगर आपको जेईई का पैटर्न का पेपर देखोगे, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ना के बराबर आए हैं। एसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो आप 2 की पावर n लगा दो, डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कंसीडर हो जाएंगे। बट अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, अगर सिमेट्रिकल टाइप का है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए हम एक सीधा सा ट्रिक यूज में ले सकते हैं और उसी से इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले हमने आपको दे दिए हैं, फॉर्मूले भी आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूले को थोड़ा सा अवॉइड करें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सोल्व करें और डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करें, विद इन 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, यहाँ देखते हैं तो यहाँ इस कंपाउंड का हमें पता है कि कितने काइरल सेंटर हैं। तो जैसे एक काइरल सेंटर तो ये हो गया, एक काइरल सेंटर ये हो गया, ये वाला काइरल सेंटर नहीं है, अभी नहीं है काइरल सेंटर। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो ये काइरल सेंटर तो नहीं है, बट ये स्यूडो काइरल सेंटर है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि स्यूडो काइरल सेंटर क्या होता है। नदीम सर बताओ बच्चों को कि स्यूडो काइरल सेंटर क्या होता है। स्यूडो काइरल सेंटर, देखिए आप उसको काइरल सेंटर ना कह नहीं सकते, क्योंकि काइरल सेंटर हम जानते हैं कि भाई उसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अब अगर आप इसकी बात करें तो 1 चलो ये हो गया, ये 2 चलो 2 डिफरेंट तो हो गया, बट ये दोनों क्या है, सेम है। तो स्यूडो काइरल सेंटर आता जो है ना वो कॉन्फिगरेशन से आता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ कॉन्फिगरेशन आ गया, ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लो ऊपर वाला आ गया आर कॉन्फिगरेशन और नीचे वाला क्या आ गया, एस कॉन्फिगरेशन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी सेंटर के अराउंड 2 डिफरेंट स्टीरियो कॉन्फिगरेशन आते हो, मतलब इस ग्रुप का स्टीरियो और इस ग्रुप का स्टीरियो डिफरेंट हो, तो ये स्यूडो काइरल सेंटर बन जाएगा। यदि अगर मान लो ऐसा आ गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर R ही हो गया, यहाँ R हो गया, अब ये स्यूडो काइरल सेंटर नहीं है, या मान लो यहाँ पे जैसे S आ गया, यहाँ पे S आ गया, तो ये भी स्यूडो काइरल सेंटर नहीं होगा। हाँ, जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ स्टीरियो इसके अराउंड दोनों तरफ क्या है, सेम। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे देखिए, हम मान लेते हैं कि इसका कॉन्फिगरेशन मान लो आर है और इसका कॉन्फिगरेशन भी आर है, तो एक आइसोमर तो ये बन जाएगा। दूसरा हम इसका मान लेते हैं एस और इसका भी मान लेते हैं एस। इन दोनों कंडीशन में ये स्यूडो काइरल सेंटर नहीं बना, बट जैसे ही मैं इसको आर कंसिडर करता हूं, इसको एस कंसिडर करता हूं, ये स्यूडो काइरल सेंटर जनरेट हो गया। और इस कंडीशन में ये भी स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा और इसके भी 2 कॉन्फिगरेशन पॉसिबल है, एक बार आर और इसी आर और एस के साथ एक बार एस। तो टोटल आइसोमर अपने पास यहां जो आए वो आए 4। कैसे आए वापस सुन ले, एक बार आर आर एस एस, और जब इसको आर इसको एस माना तो बीच वाला स्यूडो काइरल सेंटर बन जाएगा और उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी आएगी आर एस। इस प्रकार से टोटल आइसोमर इसके आएंगे 4। अब सर इसमें एक ये कह सकते हैं, अगर हम दूसरा एक एग्जांपल इसमें ले लें, जैसे कि यहाँ पर काइरल सेंटर और यहाँ पे स्यूडो काइरल सेंटर आ गया, सेम क्वेश्चन जैसे जैसे मान लो आपके पास अपने बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है एन ओ एच और सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, इसमें भी पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा इसका, तो इसको भी उसी वैसे करेंगे। आप देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशंस क्या होती है कि यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में हम बोलते हैं कि कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये होती है कि जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराइज हुआ है उसके ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए और ये दोनों ग्रुप भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पे ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है।
इस सेंटर के लिए दोनों ग्रुप सेम है और यहां एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल ऑलरेडी शो कर रहा है, बट कंडीशन कब करेगा, अभी नहीं करेगा, ये स्यूडो स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा। पहले यहां इस डबल बोन के अराउंड हम बात करें, तो मान लो इसका ई कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी ई था, ये तो दे रहा है, फिर इसका जेड, बट जैसे मैंने इसको ई और जेड माना, तो उस कंडीशन में ये वाला क्या बन जाएगा, अब ये भी दो शो करेगा, एक बार ई और इसी ई और जेड के साथ एक बार जेड, तो यहां भी टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो आएंगे। और इसी कंसेप्ट बेस पे आपको एक इसी पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां हम इस कंसेप्ट को दोबारा अप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 4। इसका मतलब आरसी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो तो एक बार चाहे फॉर्मूला लगा दो, लेकिन सिमेट्रिकल है और चाहे ज्योमेट्रिकल पूछे, चाहे ऑप्टिकल, चाहे चाहे आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप फॉर्मूला न लगाएं, आप कंसेप्ट से जाएं EZ या RS। ठीक है सर, जब पैरेलल सेंटर तो RS लगा दें और जब ज्योमेट्रिकल की हो तो EZ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द टू कंपाउंड गिवन बिलो आर, अक्सर आप जैसे ये दो कंपाउंड दिया हुआ है, अब इसमें रिलेशन पूछा हुआ है, नीचे दो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, दो यौगिक आपको दिए हुए हैं, इनमें रिलेशंस पूछा है, तो रिलेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको जैसे ऑप्शन में देखोगे तो एनायनोमर है, आइडेंटिकल है, मीजो कंपाउंड है, डायस्टोमर है, तो एनायनोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, आइडेंटिकल क्या होते हैं, डायस्टोमर क्या होते हैं, पहले इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, बिल्कुल, उसके बाद क्योंकि मेन एम केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व कराने का नहीं है, हमारा मेन एम ये भी है कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने कंसेप्ट जनरेट हो रहे हैं वो सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएं, और आपका इस ये 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद आप काफी कंफर्ट जोन में आ जाओ और आप अपने आप से ये कह सकते हो कि आइसोमरिज्म के क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूं। तो एनायनोमर क्या होते हैं नदीम सर, पहले एनायनोमर में पहली बात तो आप हमेशा जैसे मान लीजिए एनायनोमर क्या होता है, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या फिर इसको हम ऐसे डायरेक्ट अगर आरएस से करें, आरएस से करें, कहने का मतलब है कि पहले तो एनायनोमर पूछता है तो पहले तो पेयर में होना चाहिए, दूसरा वो दोनों जो आपने जो पेयर कंसीडर किया है वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। पहली इसमें एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि लोग ऑप्टिकली एक्टिव तो ढूंढ कर उसमें लगा, सबसे पहला तो आइसोमेरिज्म कंडीशन क्या होता है भाई, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम, फिर उसका क्या हो ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या हो सेम हो, सबसे पहले क्या देखना है केमिकल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर का मतलब है समझ लो आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब उसके बाद ये अगर सेम है तो वो दोनों पेयर पहले क्या होने चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन अगर है तो आप ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए आप क्या करना, ये लगा दो प्लेन, आप सेंटर ऑफ सिमेट्री तो देख ही नहीं सकते इसके अंदर, तो प्लेन लगा दो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अब दोनों कंपाउंड अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव हो गए तो उसका दो तरीका होता है निकालने का रिलेशन, एक तो दोस्तों होता है R और S कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लो, और सर एक्सक्यूज मी सर, हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, क्वेश्चन अगर हमें करना है तो हम सीधा सीधा ये बोलें कि एनायनोमर का मतलब है कि अगर एक दूसरा आर है तो उसकी मिरर इमेज एस अगर सामने आ रही है तो वो पेयर ऑफ एनायनोमर हो गया, अगर एस है तो उसकी मिरर इमेज आर आ रही है तो भी वो पेयर ऑफ एनायनोमर हो गया, बट ये कंडीशन हुई विद वन कायरल सेंटर। अगर दो कायरल सेंटर है तो मान लो एक इधर आर आर आ रहा है तो उसके सामने एस एस आना चाहिए, एस एस आ रहा है तो क्या आना चाहिए आर आर आना चाहिए, और अगर आर एस आ रहा है तो एस आर आना चाहिए, मतलब आर के सामने एस आना चाहिए, एस के सामने आर आना चाहिए, दो कायरल सेंटर के साथ हो सकती है, मतलब इस कहने का मतलब है कि हर कायरल सेंटर पर वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए। तो इसमें सीधा सा कंसेप्ट बोले कि अगर अपोजिट है तो एनायनोमर है, बिल्कुल सेम है तो आइडेंटिकल है, अपोजिट है तो एनायनोमर है, सेम है तो आइडेंटिकल है, उसके अलावा कोई और कंडीशन जनरेट हुई तो वो डायस्टोमर है। और कंडीशन कैसे, जैसे मान लो आर आर के सामने आर आर ही आ गया तो आइडेंटिकल हो गया, एस एस के सामने एस एस आ गया तो आइडेंटिकल हो गया, आर एस के सामने आर एस आ गया तो आइडेंटिकल हो गया, बट एक कंडीशन आर आर के सामने आर एस आ गया तो ना तो ये मिरर इमेज है
ना तो ये आइडेंटिकल है और ना ही ये एनेंशियोमर है, तो इस कंडीशन में एस एस है, एस आर आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, पेरो डायस्ट्रियोमर। कहने का मतलब ये है कि सर ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो जो भी स्टीरियो सेंटर है अगर उसमें से एक भी फिक्स हो गया, जैसे देखो सर ने फिक्स कर दिया एक, बाकी अपोजिट है, इसमें देखो फिक्स हो गया, एक भी फिक्स हो गया, कम से कम एक फिक्स होना चाहिए, बाकी सब अपोजिट हो, तो पेयर आपस में क्या होंगे, डायस्ट्रियोमर। इसको हम तीन पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई आर आर आया, अब आर आर के सामने आर एस एस आया, एस आर आर आया, आर एस आर आया, दीज आर पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर, ये सब डायस्ट्रियोमर हुए, क्योंकि ना तो कोई आया, अब अगर एस एस आ गया ना तो ये एनेंशियोमर, तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर हो जाएगा। बट ध्यान रखना है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो मीजो कंपाउंड की कंडीशन में चला जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, मीजो कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड हैव एटलीस्ट टू काइरल सेंटर, उसके पास दो काइरल सेंटर होने चाहिए, एंड हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मे बी सिग्मा और मे बी आई। सिग्मा में बोल रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, आई में बोल रहा हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री को। तो इन क्वेश्चंस पे हम आते हैं, बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हुआ इसके रिगार्डिंग। अब इस क्वेश्चंस पे हम एक बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूं सर, जी सर, कि जैसे सर ने कहा कि भाई दो काइरल सेंटर कम से होना, कभी कभी बच्चा क्या पूछता है, जैसे जैसे ना वो अक्सर क्वेश्चन उनके आता है, जैसे ये करके आ जाते हैं, जैसे मान लो ये है ऐसे ऐसे है, तो एक ऐसे बना दिया मैंने और एक मान लो ऐसे है OH, OH, HH, OH, तो हम तो कह देंगे कि जैसे मान लो अब टीचर ने बता दिया, हम लोग ने बता दिया, देखो बेटा इसमें सिग्मा प्रेजेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कह देंगे सर ये वाला मीजो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी सिग्मा, क्योंकि वो बात नहीं सुनते। सर ने जैसे कहा बोला कि काइरल सेंटर होना चाहिए, काइरल सेंटर के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो इसमें देखो ये काइरल सेंटर के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये तो मीजो हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें तो देखो काइरल सेंटर ही नहीं है, प्लेन ऑफ सिग्मा है ऐसी बात नहीं है लेकिन काइरल सेंटर नहीं है, तो हम इसको मीजो कंपाउंड नहीं कर सकते, क्यों सर? जी जी जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, हम इस पे क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आपको दो ओरिएंटेशन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करना है वो देखें, कंसेप्ट हमने बता दिया है। अब देखो यहाँ पे दो आपको दिए हुए हैं, बट इस हम पे इसको देख रहे हैं तो देखो इसका डी यहाँ है, इसका डी यहाँ है, तो एक वे तो है कि आप डायरेक्ट आर एस नोमेनक्लेचर से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो मैं दो वे यहां बताऊंगा आपको, दोनों वे में से आप किसी भी से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि यहां ये काइरल सेंटर है, तो इस यहां जो ग्रुप लगे हैं वो इस काइरल सेंटर पे है, तो इसका इससे चेक करना है, बिल्कुल, और इसका ये जो ग्रुप लगे हुए यहां यहां चेक करना है, तो इसमें पहले हम आर एस नेमिंग करते हैं, तो आर एस नेमिंग करने के लिए आर एस नेमिंग का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है सी आई पी रूल, कौन इनगोल्ड प्रीलोग रूल, उससे हम क्या करते हैं पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, और जब प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है तो सबसे पहले हम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को हायर प्रायोरिटी देते हैं, तो यहां बीआर, बीआर सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, उसके बाद ये नीचे कार्बन से बॉन्डेड है, यहां ड्यूटेरियम से, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर और इसको चार। अच्छा, यहां पे चूंकि अब एक देखो कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो आइसोटोप हो गया, तो आइसोटोप के लिए क्या करते हैं एटॉमिक मास ले लिया जाता है, हम ये बोल सकते हैं हायर आइसोटोप गेट हायर प्रायोरिटी, हायर आइसोटोप है उसको हायर प्रायोरिटी हम देंगे। अब रोटेशन हम चेक करेंगे, तो वन से टू की तरफ जाना है तो मैं रोटेट हुआ क्लॉकवाइज, मतलब क्या आर कॉन्फ़िगरेशन सही है नदीम सर या फिर नहीं? इसको बच्चे ये ध्यान रखना है कि अगर फिशर प्रोजेक्शन है तो जो फोर्थ प्रायोरिटी होता है फिशर प्रोजेक्शन, ये वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। अब हमारा फोर्थ, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा कर दो। तो जैसे सर ने बताया कि भाई यहाँ पे क्लॉक वाइज आ रहा है और आर है, बट हमारा फोर्थ प्रायोरिटी जो कि वर्टिकल पोजिशन पे नहीं है, तो आर का क्या हो जाएगा, ये वाला एस हो जाएगा, क्यों? तो इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एक सिंपल वे में अरेंज कर देते हैं, क्योंकि आगे भी इसी पेपर में आरएस नेमिंग के क्वेश्चन आने हैं, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, उस कंसेप्ट को पकड़ के आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। वो कंसेप्ट क्या है उसको देखें आप, पहले उस कंसेप्ट की हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस इसी क्वेश्चन पे आएंगे। यदि आपका फोर नंबर यहां आता है या फोर नंबर यहां आता है, फोर नंबर मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो आपका अगर रोटेशन से आर आ रहा है तो आप चेंज कर दो, आंसर बोलो एस, और एस आ रहा है तो आप आंसर बोल दो आर, मतलब चेंज कर दो
क्यों एक्चुअली में आरएस नोमेनक्लेचर है 3डी इमेजिनेशन, हम 3डी इमेजिनेशन से करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका की पॉइंट दे रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे करना है। अगर फोन नंबर आपका फीसर पे आ रहा, फीसर पोजीशन पे यहां आ रहा है, हॉरिजॉन्टल अगर आ रहा है ऐसे, हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो उल्टा आ रहा है, उसका अपोजिट करना है। मतलब क्लॉकवाइज पे हम बोलते हैं आर और एंटी क्लॉकवाइज पे हम बोलते हैं एस। बट मान लो आपका आ तो रहा है क्लॉकवाइज और फोन नंबर यहां है, तो आए उसका उल्टा करना है। सीधी सी बात है, जो आ रहा है उसका उल्टा करना है। या तो फीस पे क्वेश्चन पूछता है या फिर पूछता है आपको वेज डेस पे। वेज डेस में आप यहां ऐसे दिया जा सकता है, तो फोन नंबर आपका यहां आ सकता है या फिर फोन नंबर यहां पे रखना है। अब यहां आया तो आर आ रहा है तो आर को आर ही बोलना है, एस को एस ही बोलना है, कोई चेंज नहीं करना। इस पे आए तो आर को आप एस में ले जाना, एस को आप आर में ले जाना, चेंज कर देना। ठीक है, अब बोले आपके दिमाग में रहोगे सर जरूरी थोड़ी ना यहां ही आए। अगर चार नंबर इसी में, पहले इसमें बात करते हैं, अपन वापस इसमें आते हैं। अगर चार नंबर यहां आया या फिर यहां आया, तो यहां भी एजिट रखना है, आर को आर ही बोलना है, एस को एस ही बोलना है। ओके, अब इसमें क्या होगा, चार नंबर आपका यहां आ सकता है या चार नंबर आपका यहां आ सकता है। अब यहां चार नंबर और यहां चार नंबर आए ना, तो एक कंसेप्ट आता है इवन चेंज। इवन चेंज वहां पे कर दो, मतलब इवन चेंज का मतलब है, इवन चेंज का मतलब उस स्टीरियो सेंटर या उस कायरल सेंटर के अराउंड आपको इवन टाइम चेंज करना है। मान लो फोर नंबर यहां पे है, फोर नंबर यहां पे है, वन नंबर यहां पे है, टू नंबर यहां पे है, थ्री नंबर यहां पे है। अब आप इस फोर को या तो यहां लेके आओ या यहां लेके आओ। अगर फोर को यहां लेके आओगे तो चेंज कर देना जो आए उसका, और यहां लेके आए तो एग्जिट रख देना। तो देखो इसको हम सीधा सा कंसेप्ट लगाते हैं, मैं इसमें इवन चेंज करता हूं, फोर नंबर को यहां ले आया, थ्री को वहां, बट ये तो वन टाइम ही चेंज हुआ ना, और चेंज हुआ ना। दूसरा दो को यहां ले गया, एक को यहां ले गया, किसी को भी चेंज कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फोर नंबर आपको यहां लेके आना है, ये इवन चेंज हो गया। अब यहां जो आएगा, जैसे वन से टू की तरफ जाऊंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज पे एस बोलते हैं, बट फोर यहां है तो आए उसका अपोजिट करना है, आंसर इसका आर जाएगा। यहां भी वही करना है, वन टू थ्री मान लो, कैसे भी चेंज करो आप। देखो मैं चेंज करने का तरीका कैसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार वहां, चार को मुझे यहां लिखे आना, मान लो इस पे लिखा है चार यहां आया, तो तीन यहां, एक चेंज और कर दो, दो को यहां एक को यहां, इस वे से भी आप कर सकते हो। अब यहां से वन से टू की तरफ गए, यहां हम हुए एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो वही रहेगा जो आया है आर का, आर रहेगा क्योंकि चार को मैं यहां लेके आया हूं। इस वे से आप आर एस नेमिंग कर सकते हो। तो अब मैं उसी कंपाउंड पे वापस पीछे जाता हूं जिस कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट से हम उसको सॉल्व करते हैं। आपको नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करें और इसको देखें। मैं इसमें कंक्लूड कर लेता हूं, सीधी सी बात यह होगी, सर ये कहना चाहते हैं कि अगर फिशर पोजिशन दिया है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो जो तुम्हारा आ रहा होगा आंसर उसका उल्टा कर देना है, वर्टिकल अगर है तो जो आंसर आ रहा होगा वही रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लो वेज डैश में है तो हमें चाहिए अपना फोर्थ किस पर, ये डैश पे चाहिए, अगर डैश पे नहीं है तो उसको डैश पे लाना है, सीधी सी बात है। और उसको लाने के लिए जितनी बार रोटेट करोगे, पीरियोडिक रोटेट करना है, जैसे मान लो जैसे सर ने कहा यहां फोर है, अब किसको यहां लाना है, तो एक बार रोटेट, एक बार इसको एक बार रोटेट किया तो एक बार उल्टा हो गया। जैसे कोई और देख लेते, जैसे ये वाला देख लो, यहां से यहां लाना है तुम्हें, फोर्थ हमें यहां पे चाहिए, तो डायरेक्ट नहीं लाना है, चाहे इधर से लाओ चाहे इधर से लाओ, जितनी बार चेंज करोगे उतना बार उसका आंसर क्या होना चाहिएगा, उल्टा होएगा। क्यों सर? हाँ, इवन चेंज कर दो डायरेक्टली। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन ये था, तो क्यों ना हम इसको आरएस से करें। बिल्कुल, तो आरएस से कर देते हैं, तो एक नंबर इसको मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, दो नंबर इसको मिलेगा, तीन इसको, चार इसको। वन से टू की तरफ गया, मैं रोटेट हुआ आर, क्या मैं इसका आर बोलूं या चेंज करूं? चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है एस। अब इसको इससे चेक करना है, क्योंकि ये और ये सेंटर सेम है, ऐसे मत चेंज कर देना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग सेंटर है, सेम सेंटर से। तो यहां इसको वन दू, इसको टू, इसको थ्री, ओनली फोर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब वन के सामने टू हो तो टू की तरफ जाना है, बट वन के सामने थ्री और फोर हो तो फोर की तरफ जाना है। ये आप इसको ऐसे नहीं लेके जाओगे, आप इसको ऐसे रोटेट करोगे।
वन से, क्योंकि देखो वन से थ्री गए, थ्री से टू गए, टू से फोर गए, कोई सीक्वेंस नहीं आएगी। इधर जाओगे वन से फोर, फोर से टू, टू से थ्री, इवन एक सीक्वेंस तो आ रही है। तो इसको रोटेशन ये ऐसे होगा। फिर बोल रहा हूं ये ध्यान रखना, वन के सामने थ्री और फोर है और टू यहां है, तो फोर की तरफ जाना है, थ्री की तरफ नहीं जाना। तो इसमें मैं रोटेट हुआ कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अब इसका आ तो रहा है वैसे एस, एस आ रहा है बट हो जाएगा आर, क्योंकि फोर्थ वाला आपके वर्टिकल पोजीशन पर नहीं। तो एस के सामने यहां आर है। अब इसको चेक करते हैं जी, वन नंबर इसको, टू नंबर इसको, थ्री नंबर इसको, फोर नंबर इसको। वन से टू की तरफ गया, कैसे रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, पर चेंज करना पड़ेगा मुझे, मतलब क्या आएगा इसका, एस था पर मैं बोलूंगा क्या आंसर, आर बोलूंगा। बिल्कुल ऐसे इसको चेक करूंगा, वन टू थ्री और फोर, तो वन से टू की तरफ जाऊं या थ्री की तरफ जाऊं, तो वन से टू की तरफ गया, तो कैसे रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, आर बट चेंज करना पड़ेगा, इसका एस आएगा। तो आर के सामने एस है, एस के सामने आर है, आर के सामने एस है, एस के सामने आर है, तो इसका मतलब मिरर इमेज हो गए। मतलब मैं क्या बोलूं इनको, इसका मतलब आरएस नोमेनक्लेचर बहुत काम की चीज है यार हो। अगर उसको पकड़ के रखोगे, आरएस नोमेनक्लेचर निकालना आता है तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होता है। इसका और भी वे है, आप इसको रोटेट करके ले आओ, वो भी वे है, बट वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, इसलिए उसको अवॉइड कर देते हैं। वो जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी बात हम आगे कर लेंगे। तो आंसर जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। यस सर जी। सर इसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब आप देखो इसमें वही बात आ गई, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। जैसे देखो ये तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि भाई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दो डिफरेंट ग्रुप इधर भी हैं, रिस्ट्रिक्टेड इधर भी, ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अब कायरल सेंटर के लिए क्या होना चाहिए कि फोर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये और ये तो चलो अलग है, लेकिन देखा जाए तो अभी ये वाला क्या है सेम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है सेम। बट सर क्या ये स्यूडो तो बन जाएगा ना, बन जाएगा जब मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइज होगा तब ये स्यूडो बन सकता है, स्यूडो बन सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी बोला था। अब देखो होल कंपाउंड क्या है सिमेट्रिकल, तो वही इसीलिए शुरू में ही बताया था कि आप फॉर्मूला को अवॉइड ही करें सिमेट्रिकल में, क्योंकि जे ही फंसाएगा आपको इसमें। तो इसका हम लोग बिना फॉर्मूले के ही इसका आंसर आएगा, आप चाहे तो आगे देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करें सर। हाँ जी, देखो इसका ई कॉन्फिगरेशन माना, इसका ई माना, इसका जेड माना, इसका जेड माना, ठीक है। अब इसको ई मानता हूं और इसको जेड मानता हूं तो ये स्यूडो कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अराउंड जो ग्रुप है उनका कॉन्फिगरेशन चेंज है, उनकी स्टीरियो अलग है। तो जैसे ही स्यूडो सेंटर होगा तो सेंटर का तो आरएस नोमेनक्लेचर होता है, तो ये आर और इसी ई जेड के साथ ये एक बार क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सर मैं ऐसे बनाऊं इधर जेड इधर ई भी बनाऊं? हाँ, ये कंफ्यूजन भी होता है। लोग कहते हैं कि सर आपने इसका ई ई तो ले लिया, जेड जेड ले लिया, इसका ई लिया, इसका जेड लिया, तो सर इसका ई इसका जेड क्यों नहीं ले रहे? अरे बच्चे ये जो सेंटर है और ये सेंटर है वो बिल्कुल सेम ही तो है। अगर मान लो ऐसा पूछा था, जैसे मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, यहीं पे जैसे मान लो यहां आ जाता C2H5, ठीक है। तब देखो अब क्या होता, इसका जो E होता वो क्या इसके E के बिल्कुल सेम होता? नहीं होता। क्या इसका Z होता इसके Z के बिल्कुल सेम होता? नहीं होता। तब अब हम इसका EZ और फिर इसका EZ लेते। अभी तो क्या है, अभी चाहे इसका E देख लो, इसका E देख लो, दोनों क्या है सेम ही है। तो चाहे इसका EZ ऐसे ले लो, चाहे इसका EZ ऐसे ले लो, क्योंकि दोनों का टर्मिनल या ग्रुप अपन कह सकते हैं सेम है, तो चाहे इधर से वो दोनों बात क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब इसके टोटल आइसोमर कितने आएंगे? फोर। फोर ऑप्शन में है अपने पास, फर्स्ट आंसर आएगा। तो अगर अभी सर बात कर रहे थे तो इसको तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, C2H5 दिया, CH डबल बोन CH, CHOH, CH डबल बोन CH3, तो एक स्टीरियो सेंटर ये हुआ, एक स्टीरियो सेंटर ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर ऑलरेडी है। अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n लगाओ, 2 की पावर n लगाओ, n की वैल्यू एक स्टीरियो सेंटर ये, एक ये और एक ये, 2 की पावर 3, मतलब आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें अनसिमेट्रिकल में, वो तो समझाने के लिए था कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर ई जेड इधर से लिया तो इधर से क्यों नहीं लिया, तो उसकी बात है। बाकी तो अगर जैसे ही यहां पे C2H5 लगाएंगे वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आपकी इच्छा वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी 8 ही आएगा, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फायदे में तभी रहोगे जब डायरेक्ट डायरेक्ट नेक्स्ट। यस सर,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको देखें, विच ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला करस्पोंड टू द फॉलोइंग स्टीरियो स्ट्रक्चर। एक स्टीरियो स्ट्रक्चर दी हुई है, इसका फिशर आपको बनाना है। हिंदी में बोलें तो निम्नलिखित त्रिभुज संरचना का फिशर प्रक्षेपण सूत्र कौन सा है? Yes. तो ये कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है सर। Yes, ये तो 3D में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इसको मैं वेज डेस रिप्रेजेंटेशन बोलता हूँ, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। और इसको मैं फिशर बोलता हूँ। एक फिशर प्रोजेक्शन वो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। Yes. और ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली चार तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक न्यूमान्स प्रोजेक्शन, एक वेज डेस रिप्रेजेंटेशन, एक सोहार्स रिप्रेजेंटेशन और एक फिशर प्रोजेक्शन। ये चार होते हैं, तो हमें इसको फिशर में लेके जाना है क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो फिशर में है। फिशर तो हमें ये आना चाहिए भाई कि हमें ये जो 100 हॉर्स की तरह भी लग रहा है और 3D की तरह भी लग रहा है जैसा कि वेज डे सर ने बोला, तो अब हमें एक कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हम इसके हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश फॉर्म। और मतलब ये कन्वर्जन इधर से इधर भी आना चाहिए, इधर से इधर भी आना चाहिए, सबको उल्ट पुल्ट करना आना चाहिए क्योंकि भाई आज इसमें क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसे देखे ऐसे पूछ दे आपसे। तो इसके लिए सर हम क्या करें, इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन बच्चों को बताएं कि फिशर इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इस लाइन को पकड़ के रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं बोलूं फिशर इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, तो मुझे फिशर तभी बनेगा जब एक्लिप्स्ड है। देखो एक्लिप्स्ड है तो उसको आप फिशर में लेके जा सकते हो, अगर स्टगर्ड है तो डायरेक्ट फिशर नहीं बनाना है, नहीं बनेगा, पहले इस स्टगर्ड को मुझे एक्लिप्स्ड में लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे फिशर में आना पड़ेगा। तो सर ये कौन सा है, फिशर है या एक्लिप्स्ड है, बच्चे को कैसे समझाएंगे? अभी तो देखो बच्चे, जैसा सर ने कहा कि भाई अभी आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको पहले इक्लिप्स में लेकर जाना है। तो जैसे मान लो कि अभी जैसे कुछ यहां से इस पॉइंट से अगर आप पकड़ लो इसको ना, तो देखो तो ये, मतलब ये बोले कि ये जो है कन्फर्मेशन है वो अपोजिट है, हाँ, ये अपोजिट, ये स्टगर्ड है, स्टगर्ड है, हाँ। तो ये देखो ऐसे में बताता हूं, इधर देखो आप कि ये और यहां लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, तो ये जो प्लेन है ना ये एक दूसरे के एंटी में जा रही है, तो ये तो स्टगर्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो अब ये सेम साइड है तो ये है एक्लिप्स, तो ये कंफर्मेशन जो है आपके पास कौन सा है, स्टगर्ड, स्टगर्ड। तो इसको पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा हमें, एक्लिप्स। इजी क्वेश्चन नहीं है बट अगर कंसेप्ट आपको आता है तो विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन सोल्व होता है। कैसे होता है वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिशर, पहला पॉइंट में बोला फिशर इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, तो ये तो एक्लिप्स नहीं है, ये तो स्टगर्ड है, तो स्टगर्ड से पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा, एक्लिप्स्ड पे जाना पड़ेगा, एक्लिप्स्ड से मैं फिशर बनाऊंगा, तो एक्लिप्स्ड बनाने के लिए मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, एक्लिप्स्ड करने के लिए मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं ये जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे बात करते हैं इसी पे। देखो यहां से इसको आप रोटेट कर दो, इस स्टीरियो सेंटर के अराउंड आप इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो रोटेट करोगे तो क्या हुआ, ये ग्रुप तो एज इट रह गया OH, ये सेंटर तो एज इट रह गया OH और ये H, इसको उठा के इधर पटका, तो अभी एच क्या है, बिलो द प्लेन, मतलब इस बोर्ड के पीछे की तरफ है और OH तुम्हारी तरफ है, बट जब आपने इसको रोटेट किया तो ये चेंज हो जाएगा, जो बिलो द प्लेन है वो अबाउ द प्लेन आ जाएगा, अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो यहां से ऐसे मैंने रोटेट किया, ये सी ओ एच और एच तो चला गया यहां पे क्योंकि पहले बिलो द, ठीक है सर, और यहां ये ओ एच, क्या सर अब ये एक्लिप्स्ड बन गया? बिल्कुल, अब देखो जैसे ये OH कहां गया, ये OH है, जिस साइड OH है उसी साइड देखो ये OH है, जिस साइड है उसी साइड है, ये वाला इधर जिधर की साइड है उधर की साइड है। आप चाहे तो इसको जैसे सर ने बोला था कि आप ऐसे इस तरह से ऐसे करके भी देख सकते हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने है कि नहीं है, तो उसको बोल देंगे हम क्या कि अब ये एक दूसरे के क्या है, एक्लिप्स्ड है। तो यहां से यहां तक मैंने क्या किया, स्टगर्ड को एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब फिशर कैसे बनाना है, थोड़ी सी कलरफुल जिंदगी करते हैं और रेड कलर लेके आते हैं।
देखो कैसे बनाना, इसको पकड़ के खड़ा कर दो यार, इसको पकड़ के ऐसा कर दो, ठीक है, इसको यहां से ऐसा कर दो, तो यहां ऐसा करोगे ना तो ये CH2OH तो ऊपर चला जाएगा, CH2OH है, और ऐसे किया तो यहां आपके पास आ गया CHO, और ऐसे आपने जब इसको रोटेट किया है तो देखो आप ऐसे रोटेट करोगे तो OH तुम्हारी तरफ पीछे की तरफ है, H तुम्हारी तरफ है, तो सामने कौन आएगा भाई, OH तो पीछे की तरफ है, OH पीछे की तरफ है, ये जो रिमोट है वो OH है और ये H है, अब आप इसको ऐसे कर रहे हो तो H आपकी साइड आए ना, तो इधर H आएगा और इधर OH आएगा, H आएगा उधर ही, ये H आएगा और ये OH आएगा, ये आपने पीसर बना दिया। अब मैं यहीं से ऑप्शन चेक करता हूं तो ऑप्शन मुझे ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि सब में टॉप पे CHO है और मेरे पास टॉप पे CH2OH है, तो एक ऑपरेशन और लगा, मतलब इसको इन द प्लेन 180 रोटेट करो, अगर पीसर को इन द प्लेन 180 रोटेट करते तो आइडेंटिकल ही बनता है, और इसको मैं 180 इन द प्लेन रोटेट करूंगा, ठीक है, तो देखो क्या होगा, CHO ऊपर चला गया, इन द प्लेन उठाना नहीं है प्लेन से, ऐसे पूरा का पूरा रोटेट करना है, और इधर आ गया CH2OH, इधर आ जाएंगे OH, OH, H और H, ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं, ये अपने पास ये बना था, इसको चेक कर लेते हैं, ऐसा ऑप्शन है अपने पास, इसको मैंने 180 इन द प्लेन रोटेट किया, तो ऐसा ऑप्शन आप देखोगे सेकंड है, तो आंसर जाएगा सेकंड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, सर ने अभी क्वेश्चन किया कि ये मिजो होगा या नहीं होगा, तो मिजो नहीं होगा क्योंकि यहां प्लेन नहीं नहीं लग रही, पीसर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लगानी है, सोगन ले लेनी है, बट पीसर में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड बिलो इच, ये देखो एक क्वेश्चन यहां से आता है, और होपफुली सभी बच्चों को आईपीएससी नेमिंग आती भी होगी, नहीं भी आती है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सबसे इजी कंसेप्ट ऑर्गेनिक में यही होता है, तो आईपीएससी के लिए सबसे पहले चेन बनाते हैं, बिल्कुल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि चेन बनाते समय आप देखते हो उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप भी होता है, प्राइमरी सफिक्स भी होता है, तो सबसे पहले तो चेन बनाते हैं अपन, पहले तो चेन ये वाली चेन बन जाएगी क्या, लॉन्गेस्ट चेन, हाँ ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन है, अच्छा अब देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो बनी रही है, डेफिनेटली वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा सा यहाँ देखो क्वेश्चन जो दिया है ना वो इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, कि यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ये आप में इधर भी ये भी लिख देता हूँ, ये और सी ओ एच, तो दूसरा कंसेप्ट अपने पास ये था कि हम चेन ये बनाएं, ठीक है सर ये भी बन जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम नंबरिंग करते हैं, बिल्कुल नंबरिंग करनी है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है इसमें, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल हमारा हो गया, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोल दो या प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल दो, सर ये कैसे डिसाइड कर लिया, तो आप देखोगे कि हमारे जानते एक आप देखते होगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर दिया रहता है उसमें, कि जैसे एनसीईआरटी में यहाँ कहीं पे आप देखोगे मिल जाएगा आपको सीओएच की प्रायोरिटी, अच्छा वो जो टेबल है वहां से, उससे हमने ये ऑर्डर डिसाइड किया है कि जो ऊपर की तरफ है उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होगा और नीचे वाला सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होगा, और जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा तो नेमिंग में उसका प्रीफिक्स यूज मिलेगा, प्रीफिक्स अलग कह सकते हैं अपन कि उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम बिहेव करा, तो ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में यहां ये लिख दूं एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है तो अब हम इसकी नंबरिंग करें, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ये भी हो सकता है, और जैसा उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको कंसीडर कर देते हैं कि ये ऑप्शन सेट होता है नहीं होता है, सकता है तो अब देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट एक तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको इथाइल, और इसमें इस COH CHO को बोलते हैं फॉर्मिल, तो पहले फॉर्मिल लिखूं या इथाइल लिखूं, तो आप जानते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है, सबको आती है यार ABCD, हाँ। देख लो ये E से स्टार्ट हो रहा है, ये F से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इथाइल लिखेंगे तो 3 यहां से देख लेते हैं, इथाइल 3 इथाइल हो गया, हाँ। उसके बाद 6 फॉर्माइल हो गया, फॉर्माइल हो गया, चेन कितने की बनी अपने पास, 7 की बनी, तो हेप्ट और ठीक है, और ई हेप्ट एन ओइक
एसिड, क्योंकि इसका सफेद क्या होता है, ओइक एसिड, ऐसा ऑप्शन अपने पास है। फर्स्ट आंसर जा रहा है इसमें, फर्स्ट आंसर इसका जा रहा है। अब इसकी बात करें तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें अगर नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसको मैं जब इसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में कंसीडर कर लिया, तब इसका प्रीफिक्स ऑक्सो यूज में लेते हैं, ऑक्सो यूज में लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब इसका दूसरा नेमिंग हो सकता है कि 6 इथाइल 6 मिथाइल, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। यहाँ पे जैसे ई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ओ आएगा। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो भी आता है 3 इथाइल हो जाएगा, एम ओ पहले, ओ से पहले 3 इथाइल सर ऑप्शन में है, 3 इथाइल 6 मिथाइल, 6 मिथाइल भी ऑप्शन में है क्या? उसके बाद 6 ऑक्सो है, 6 ऑक्सो है ऑप्शन में, नहीं नहीं, एक जगह ऑक्सो दिया पर 7 ऑक्सो दिया, 7 ऑक्सो दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। अगर इसमें से करो, इसमें से करो, नेमिंग दोनों ही सही, दोनों ही सही, बट आपके पास ऑप्शन इसका है तो आंसर हम फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट हैव द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ C5। देखिए कभी भी ऐसे, जैसे अब इसमें पूछा है कि भाई ये ग्रुप ही दिए हुए एल्डिहाइड, एल्कीनॉल, कीटोन, और ये एल्डिहाइड है तो जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, एल्कीनॉल मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इस टाइप का कुछ आना चाहिए, कीटोन में डबल बॉन्ड ओ, साइक्लिक कीटोन, जैसे साइकिल मान लो ये ले लिया कीटोन। अब आप इसमें देखो, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, 1, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आप ऐसा जब भी हो तो पहले, सबसे पहले आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो आप जानते हो फॉर्मूला एक होता है C+1 - H+X - N/2। आप इसमें रख के देखो, रख के देखो तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि नंबर ऑफ कार्बन, यस, प्लस 1 बिल्कुल, माइनस, ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, इससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ कार्बन की वैल्यू रखो, हाइड्रोजन रखो, ऑक्सीजन की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 1। तो कंपाउंड इसका वो ही बनेगा जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 ही हो। सही बात, जैसे एल्डिहाइड में 1 है, एक डबल बॉन्ड डिग्री ऑफ, ये हो सकता है। एल्कीनोल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब OH, इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। साइकीटोन, कीटोन में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। मतलब सर ये बोले हम कि एक डबल बॉन्ड हो तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो भी ऐसा ही होगा। सही बात, साइक्लिक कीटोन है तो एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये हो गया, एक ही हो गया, तो 2 हो गया, तो 2 तो हमारा ये आ ही नहीं रहा। तो ये पूछा कि कैन नॉट हैव द कंडेंस्ड फार्मूला, फोर्थ आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करना होता है। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड ये जैसे मैं बनाऊं एल्डिहाइड बनाया मैंने, जैसे मैंने लिखा C3H6O, दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, और CH3CH2COH, दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वापस से IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल बताओ सर। तो इसमें जैसे देखो आप IUPAC नेमिंग में, एक तो ये ग्रुप है और CL भी है, CN भी है, तो आप जानते हो कि ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। देखा जाए तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप में OH भी आता है और CN भी आता है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको प्रायोरिटी याद होगी, प्रायोरिटी में देखोगे CN होगा, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, CN। ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है बट ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ही। तो जब नंबरिंग करेंगे तो हम पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको, तो ये तो 1 आएगा ही। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, इधर से घूम रहे हैं तो भी 3 पर आ रहा है। आप जानते हो उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हैं, लोवेस्ट लोग एंटूर लगाते हैं, तो इधर से देखो 1, 2, 3, 4, 5 पे आ रहा है, इधर से चलोगे तब भी 3, 5 पे आएगा। उसके बाद क्या लगा देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसमें देखो सी आएगा और इसमें क्या आता है, सेकेंडरी फंक्शन जब लगा देते तो एच आता है, तो नंबरिंग इधर से कर लो, पहले सी आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप जानते हो जब नेमिंग लिखते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 3-क्लोरो-5-हाइड्रोक्सी। अब ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, 3-क्लोरो-5-हाइड्रोक्सी। अब सुनो आप, फिर उसके बाद वर्ड रूट बेंजीन हो गया, और सीएन में क्या लगाते हैं,
नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल लगाते हैं, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, सीधे सी बात है, लोवेस्ट सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप लिस्ट नंबर दें, तो यहाँ सी एन को हमने लिस्ट नंबर दिया, उसके बाद जो बाकी जो बच गए वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जाए तो फिर आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है, तो सेम ही आ रहा था। देखो इधर 1 2 3 4 5 मतलब 3 और 5 पे इधर से आ रहा है, इधर से 1 2 3 5 इधर से 3 और 5 से आ रहा है, तो सेट तो दोनों तरफ 8 का बन रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड किया। ठीक है, तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट, इसमें लिखा है फॉर द गिवन कंपाउंड करेक्ट स्टेटमेंट, उसी तरह से एक तरह का रिलेशन का ही क्वेश्चन है। तो आपको जैसा कहा गया था पहले, एक बात और ध्यान रखना है कि सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, जैसे बोला गया था केमिकल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, अगर स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आप जानते हैं स्टीरियो आइसोमर में केमिकल फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन सिर्फ डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सिक्वेंस ऑफ एटम चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर आ गया। बिल्कुल सही कहा। तो अब इसमें जैसे देखते हैं कि अब इसका देख लो, जैसे फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन बनाए, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला तो सेम है क्या फॉर्मूला। तो जैसे इसमें कार्बन है 1, 2 और 5, सही बात है, 1, 2 और 5, बिल्कुल 1, 2 और 5, इसका मतलब फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो सेम है। अब लिंक की बात देखते हैं ना, तो इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बिल्कुल ये एस्टर हो गया, और ये भी एस्टर, तो इसका मतलब ये दोनों तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो एफजीआई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आएगा, और इनकी बात करें तो ये भी क्या हुआ एफजीआई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बट ये दोनों ही एस्टर हैं, ये दोनों ही एस्टर हैं, तो एस्टर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और सर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पे कौन सी आइसोमेरिज्म आती है, मेटामेरिज्म। तो यहां पे यहां ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें मेटामेरिज्म अराइज हो जाती है। देखो इधर इस CO के CH3 जुड़ा हुआ है, बट यहां पे CO के ये रिंग जुड़ी हुई है, मतलब ओरिएंटेशन अलग अलग है, जैसा सर ने बोला सीक्वेंस ऑफ एटम चेंज हुई है, इस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। कहने का मतलब सर के ये है कि जैसे ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया मेटामेरिज्म में बाइवेलेंट ग्रुप, और लिंक देख लो दोनों साइड में भी, चाहे तो डिफरेंट हो जाए चाहे किसी एक साइड डिफरेंट हो जाए, तो आपस में क्या हो जाएंगे मेटामेरिज्म। ऑप्शन चेक करें, बिल्कुल पोजीशन का तो कोई कांसेप्ट ही नहीं है, आया ही नहीं पोजीशन है, सेकंड एंड थर्ड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेकंड एंड थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सही है, फिर है फर्स्ट एंड थर्ड आर मेटामर्स, मेटामर्स है ये भी सही है, तो फोर्थ आंसर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, ये बड़ा क्वेश्चन फेमस है, कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, तो क्यों ना सर हम इसका कंसेप्ट बता दें बच्चों को, है ना, इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट लग जाएगा अपना। ठीक है, तो एक खाली पेज ले लेते हैं और कलरफुल जिंदगी करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, तो ये टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं, आप ये देख लेना, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी, कंडीशन यह है कि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और यहां पे जो कार्बन लगा हुआ है उस पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये sp3 होना चाहिए, और ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म शो करेगा। अगर किसी कंपाउंड में ऐसा स्केलेटन है तो वो कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, और अल्फा कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन sp3 होना चाहिए, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है, ए डबल बॉन्ड बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये यहां भी हो सकता है, तो यहां पे सैचुरेशन चला, तो यहां से ये ऐसे और ऐसे ये भी शो कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि या तो अल्फा कार्बन हो हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन हो, या जैसे सर ने बोला कि जैसे ये देखो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये हो गया हमारा क्या गामा, ये भी तो गामा से भी हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि गामा वाला जो कार्बन है जब यहां से एच निकालोगे तो वो अल्फा के साथ मतलब पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंजुगेशन में होना, कंजुगेशन मतलब बीच में sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए लगातार,
इसे sp3 sp2 फिर इस तरह से sp2 होना चाहिए लगातार sp3 के साथ कंजुगेशन में sp2 होना चाहिए, सीधी सी बात है ना, तो वहां से आपका हो जाएगा। या फिर हमें दूसरी कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH ग्रुप लगा हुआ हो, कार्बन नाइट्रोजन पे OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो भी ये टॉटोमराइज होके इधर जाएगा, ये ध्यान रखना भैया। ये दो कंडीशन है, डबल बॉन्ड sp2 पे OH लगा हुआ हो, बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, या sp2 नाइट्रोजन पे OH ग्रुप लगा हुआ हो, तब ये रिवर्स टॉटोमेरिज्म शो करेगा, केटो से इनोल, इनोल से केटो, ठीक है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हम पीछे वाले क्वेश्चन में जाते हैं कि कहां ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो तो सर यहां तो हो रही है, ये NOH और ये तो शो करेगा। सेकंड इसकी बात करें तो क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा, देखो ये आया ए डबल बॉन्ड बी वाला स्प्लिटन आ गया, कंजुगेशन कार्बन कार्बन आ गया, अब ये सर गामा मिल तो गया लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं करेगा, तो ये वाला नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है sp3, बट हमारे जैसा कि बताया गया था कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी, जैसे गामा या तो अल्फा हाइड्रोजन हो या तो गामा हाइड्रोजन हो, तो ये गामा कार्बन तो sp3 है बट वहां पे हाइड्रोजन नहीं है। अब एक चक्कर में मत पड़ जाना कि कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो है ना, यहाँ नहीं है इस कार्बन ये वाले पे, तो यहाँ पे नहीं है इसलिए ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट में चलते ये कर देगा वही ए डबल बॉन्ड बी स्केलेटन आया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हाँ, है यहाँ, तो ये यहाँ से अब, हाँ, अब ये गामा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये शो कर देगा, ये वाला वही कर देगा, तो कौन सा नहीं करेगा ये टोटोमेरिज्म का कंसेप्ट बताया, केवल हमने ये बताया कि कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ये सब आपके सामने जो चल रहा है वो CLC के YouTube चैनल पे चल रहा है, जिसका एक बेहतरीन प्रोग्राम गुरु नीति जेई का, ये केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक पार्ट का सबसे पहला लेक्चर है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही बेहतरीन चीज मिलने वाली है, क्योंकि इसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि जिस टाइप के, चाहे जेई एडवांस या जेई मेंस पे जिस टाइप के क्वेश्चन या पूछे गए हैं या उम्मीद ये है कि इस टाइप से घुमा के पूछा जा सकता है, वो सारे कंसेप्ट आपको इस गुरु नीति जेई में आपको दिए जाएंगे। और सर सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल इंडिया में आप कहीं भी, ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में कहीं भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एकाइरल मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा अणु एक्रिल है। सर एकाइरल मॉलिक्यूल बच्चे को पहले बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है, एकाइरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं सर। एक देखो दो चीजें होती है, एक तो काइरल सेंटर होता है, एक काइरल मॉलिक्यूल होता है। उसी तरह से जैसे देखिए, जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ये काइरल सेंटर हो गया, ठीक है भाई, फोर डिफरेंट ग्रुप है। फिर आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था OH, H है, यहाँ पे हो गया CH3, इस टाइप का देयर इज अ काइरल सेंटर, बट चूंकि अगर मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर है बट उसमें प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल हम जानते हैं काइरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। लेकिन इसमें चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या आप ऐसे कह सकते हो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, या आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मैं इसका अगर RS कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालो 1 2 3 4 R, तो इसका क्या हो जाएगा S, इधर से चलोगे S तो ये हो जाएगा हमारा R। तो देखो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल S में रोटेट कर रहा है, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल R में रोटेट कर रहा है, तो नेट रोटेशन हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो मीजो कंपाउंड उसी को तो बोलते हैं कि तो जो मीजो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को अकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। अकायरल मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को आइदर लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट न कर पाए, जैसे हमारा क्या होता है मीजो कंपाउंड, ठीक है। मीजो कंपाउंड में काइरल सेंटर तो है बट होल मॉलिक्यूल क्या है, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा इसका, जीरो। तो वो किसी नेट डायरेक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो हमारा ये कंपाउंड है, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी नेट डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको भी हम क्या करते हैं अकर। क्यों सर, तो एक कंक्लूड कर देता हूं मैं इस चीज को, सर ने जो बोला है उसका सीधा सा मतलब है, ये समझो देसी भाषा में समझ ले आप, कि अगर किसी कंपाउंड में काइरल सेंटर है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो मॉलिक्यूल काइरल है। पहला स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट बोलूंगा उसमें ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में काइरल सेंटर है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो काइरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। यदि किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब सिग्मा और आई प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड एक काइरल होगा, बिल्कुल सीधी सी बात, ठीक है। चाहे काइरल सेंटर हो या नहीं हो, किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या
आई प्रेजेंट है, सेंट्रोप सिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड एक कायरल होगा, और यदि ये दोनों एब्सेंट है तो वो कंपाउंड कायरल होगा। एक कायरल मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, कायरल मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। ओके, अब उसी कंसेप्ट को हम देखते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है न्यूमान्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें न्यूमान्स रिप्रेजेंटेशन में हम अगर इसको चेक करें तो ये तो रूम टेम्परेचर पे रोटेट होता रहता है सच, तो ये रूम टेम्परेचर पे जब रोटेट होगा तो ये सीएल सीएल के ऊपर चला जाएगा, एच एच के ऊपर चला जाएगा, सीएच थ्री सीएच थ्री के ऊपर चला जाएगा। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हो जाएगी, देखना कि ये है सी एच थ्री और ये है एच और ये सी एल, जैसे ये रोटेट हुआ ठीक है, तो यहां पे रोटेट हुआ तो एच एच के ऊपर आ गया, सी एल सी एल के ऊपर आ गया, सी एच थ्री सी एच थ्री के ऊपर चला गया, और इस कंडीशन में आगे वाले ग्रुप और पीछे वाले ग्रुप सेम होगी, उस कंडीशन में प्लेन लग जाएगी, मतलब ये एक कायरल है। कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमान प्रोजेक्शन दिया है तो आप क्या करो उसका इक्लिप्स बना दो, ठीक है, और इक्लिप्स बनाकर देख लो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कायरल होगा, नहीं लगेगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है सर। अब जैसे इस पे बात करें तो आगे CH3HCl, पीछे CH3HBr, तो ग्रुप ही सेम नहीं है यार, ग्रुप ही सेम नहीं है, तो जब एक्लिस्ट बनेगा तो भी दो बराबर भागों में तो नहीं कटेगा, तो जब ग्रुप ही सेम नहीं है तो ये तो कंपाउंड 100% क्या होगा, कायरल होगा। इसमें बात करें तो CH3 के ऊपर CH3, ये देखो CH3 CH3 है, अब ग्रुप ही सेम आ रहा है, बोलूंगी एक कायरल मॉलिक्यूल, तो ग्रुप पे आगे वाले कार्बन पे CH3 CH3H है, पीछे वाले पे CH3 OH H है, तो ग्रुप सेम नहीं है, तो प्लेन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, कायरल। इसकी बात करें तो यहां COH आगे वाले पे COH OH H है, पीछे वाले पे COH और H, बट इसका एक्लिप्स नहीं बनेगा, आप बना एक्लिप्स देखो, देखो OH यहां, ये OH इसके ऊपर गया तो COH H के ऊपर चला गया, H COH के ऊपर आ गया, सेम सेम के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कायरल। आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन द एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो पहले बच्चे को ये बता दें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, जी जी बिल्कुल, तो एक लाइन में खत्म करते हैं, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, देखो कंसेप्ट यही बोलता है, यदि किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ओनली वन कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो वो 100% ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, कि यदि किसी मॉलिक्यूल में ओनली वन कायरल सेंटर है, ओनली वन, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि किसी कंपाउंड में मोर देन वन कायरल सेंटर है तो फिर अपना वही कंसेप्ट, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहां स्ट्रक्चर बना लें, बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे पहला है 3-methyl-2-pentene, तो भैया 2-pentene पहले बना लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3-methyl, 1-2-3-methyl, 3-methyl ये हो जाएगा हमारा CH2CH3, इधर हो गया CH, इधर हो गया CH3। अब क्या इसमें कोई कायरल सेंटर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे कायरल सेंटर वैसे भी आपको पता है क्या होना चाहिए, sp3 होता है हम तो पे, तो देखो इसमें तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, फटाफट कर देते ना इसको, 1-pentene है, ये 1-pentene, और आपको लगाना है 4-methyl, 1-2-3-4-methyl, इसमें भी नहीं आ रहा सर कायरल सेंटर। अब इस वाले को देख लेते हैं, CH2CHH, इसमें आ गया सर, ये रहा कायरल सेंटर, ये रहा, ये अब देखो इस वाले में, देखो इस वाले में ये वाला कायरल सेंटर आ रहा है, और एक कायरल सेंटर पर जैसे बोला सर ने कि उसमें न प्लेन है न सेंटर है, तो आसानी से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, आंसर जाएगा, इसको भी चेक करोगे तो इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्शंस फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर, मतलब आप क्वेश्चन को देखें, आपको EZ और RS नोमेनक्लेचर पूछा है इसमें सिंपल सा, तो वो कांसेप्ट हम बता चुके हैं। इसकी बात करें EZ कैसे करते हैं, यहां H H लगे हुए हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करो सर, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, मतलब Z, इसमें
कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन आरएस से करते हैं, और आरएस का कंसेप्ट बताया था ना पीछे, उसी से डिस्कस कर लेते हैं। एक नंबर इसको दे दूं, दो इसको दे दूं, तीन इसको दे दूं, चार इसको दे दूं, एक से किधर जाऊं, दो की तरफ या चार की तरफ, दो की तरफ जाना है, कैसे रोटेट हुआ, मैं रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही रखूं या चेंज करूं। फोर्थ चूंकि हमें वेज पे डैश पे चाहिए बिलो द प्लेन और वो वहीं पे है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। चार जहां चाहिए था वहीं बैठा है यार, एस का एस ही होगा, तो इस सेंटर का तो एस है और उसका जेड है। अब इसका नंबरिंग, क्योंकि नंबर दिया हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप OH है, तो नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले यहां इसको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, तो चार पे तो क्या आया है जेड, एक नंबर पे क्या आया है 1s। ऐसा ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन अपने पास फोर्थ, तो आंसर जाएगा फोर्थ। सिंपल कंसेप्ट देखो, अब जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनके कंसेप्ट तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ए क्लोरीन एटम इन एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन का तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ जी। एंथ्रासीन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन तो बहुत है यहाँ पे, हाइड्रोजन तो बहुत है, बस वो कहा है एंथ्रासीन, सॉरी एंथ्रासीन दिया हुआ है, ऐसा करते हैं। ऐसे कर लेते हैं, ये एच। अब हमें ये देखना है कि कहां कहां पे क्लोरीन लगाए कि हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले, तो नो डाउट कि एक यहां पे लगा के देख लो पहले, तो वो तो इससे थोड़ी ना मैच करेगा, चेंज कर लेते हैं कलर, बच्चा रेड कलर को बड़ा प्यार करता है। अब एक यहां पे लगा लो, एक यहां पे लगा के देखो क्या इससे मैच करेगा, नहीं करेगा। अगर ये जो इसको ए बोलूं तो ये भी तो सेम ही है, ये भी तो ए ही है, ये दोनों सेम ही है। अगर इसको आप बी बोलो तो ये भी तो क्या हो गया, बी सेम ही है, सेम ही। अब आप देखो, अगर आप यहां पे लगाते हो तो ये ए के सेम हो गया, तो ये भी ए ही है, और तो इसको भी ए बोलेंगे, ए भी ए। अगर ये और ये दोनों भी सेम हो गए तो बी 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 हो गया, और ये दोनों डिफरेंट है, बट ये दोनों आपस में क्या है, आपस में क्या है, सेम। तो सर इसमें हाइड्रोजन तो तीन ही टाइप की आई, तीन ही टाइप के, थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, आप चाहे तो वहां पे क्लोरीन लगा के चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या जाना है, आंसर फर्स्ट चला जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधी सा है। तो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एमाइड पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9NO, क्वेश्चन को ऑलरेडी बहुत इजी वे में दिया हुआ है, आपको यही बोला हुआ है, एमाइड ही बोल दिया है, एमाइड ही बनाना, एमाइड ही बनाना। और भैया बनाने का एक सिंपल सा कंसेप्ट देता हूं, पकड़ के रखना कि एमाइड में होता है CO और ये N, ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसी से बनाए, तो इसी से बनाए। तो देखो CO पहले मैं 1 डिग्री एमाइड बनाता हूं, ये 1 डिग्री एमाइड है, ठीक है। अब CONX टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, 4 में से एक कार्बन तो यहां आ गया, पीछे कितने कार्बन बच गए, तीन कार्बन, तो यहां C3 लगेगा। पर सर तीन कार्बन को तो लिखने का तरीका दो होता है ना, दो तरीके होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, मतलब इसके टू वे हैं, दो वे से, हां दो वे से, ये वाले तो है सर, ये वाला एक तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और एक ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये कहने का मतलब 1 डिग्री अमाइड के तो दो बन गए। अब मैं 2 डिग्री बनाता हूं सर, अब 2 डिग्री बनाइए सर, सी ओ एन एच, पहले एक कार्बन लगा देता हूं इधर, बिल्कुल, अब मेरे पास दो कार्बन बच गए, तो दो कार्बन को लिखने का तरीका तो एक ही है, एक ही लिंक बना सकते हैं उसका, इथाइल ही लिखा जाएगा। अब मैं ऐसे चेंज भी तो करूंगा, इस सी टू को इधर लाऊं, उसको ले लाऊं, एक इसका अपर लिख देते हैं इसको, एक बन गया इसका। दो की बात करें तो कार्बन ये सी ओ एन एच और ये दो कार्बन की तरह लगा दिए, ये और ये देखो डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे जो सी टू है वो सी से लिंक है और यहाँ पे C2 जो है वो N से लिंक है, तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा। ऐसा मत सोच लेना कि सर एक बार को ले लिया तो फिर क्यों ले रहे हैं, तो जब अच्छा सर ये मेटामेरिज्म है, मेटामर है, ये मेटामर है दोनों आपस में, क्योंकि ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसलिए ये मेटामर है, नाइट्रोजन से एक कार्बन बॉन्डेड है, उसमें नाइट्रोजन से दो कार्बन बॉन्डेड, तो लिंक चूंकि अलग है इसलिए इसको कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, ये 2 डिग्री बन गए।
अब बात करते हैं थ्री डिग्री की, तो सी ओ एन एक कार्बन, एक कार्बन तो एक कार्बन बच गया, बच गया इसका तो एक ही बने, एक ही बने, एक बने। हाँ, अब सर एक पॉसिबिलिटी और आती है, पॉसिबिलिटी और बन सकती, वो पॉसिबिलिटी है कि एच ये सी ओ और ये एन, इसका भी थ्री डिग्री बन सकता है, ठीक है। सब मैंने लिखा एच, इधर तो एच लिख गया, अब मेरे पास इधर कितने कार्बन बच गए, तीन कार्बन आ गए आपके, पहले तो मैं टू डिग्री बना देता हूँ, हाँ टू डिग्री बनाइए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि टू डिग्री बनाओ तो अब तीन कार्बन बच गए, तीन कार्बन को लिखने का तरीका दो हुए, दो तरीका होता है जैसे कि यहाँ पे समझाया, इसके अलावा मैं थ्री डिग्री बनाऊ एच सी ओ एन, तो मेरे पास कार्बन यहाँ पे है कितने, तीन, तीन है, तो दो अलग अलग करके लिख दू, बिल्कुल तो एक ये वाला, बिल्कुल ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट बने, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लिंक का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि और ये भी ध्यान, जैसे इसको बच्चा इसको भूलता है सर, इसको भूलता है, इसको बनाना भूल जाता है दोस्तों, कि ये एस्टर में भी पंगा होता है ये वाला, कि एस्टर, ये एस्टर, ये भी एस्टर है, कि एच, एच के साथ एस्टर भी आता है, एच के साथ अमाइड भी आएगा, तो एस्टर में भी ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर ये अमाइड ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से उठाया है, क्योंकि इसमें डिग्री भी चेंज हो रहा है, एस्टर में क्या होगा छोटा हो जाएगा, इसमें डिग्री चेंज नहीं होगा, तो अगर आप इसको समझ जाते हो तो फिर आपके लिए एस्टर और बाकी चीजें क्या इजी हो जाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया एट। नेक्स्ट चलते हैं सर, ये तो बच्चों को हम सिखा चुके हैं, द आरएस कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज कंपाउंड आर रेस्पेक्टिवली, प्रायोरिटी डिसाइड करिए और फटाफट से लगाएंगे, उल्टा करना है या सेम ही रखना है तो करें सर, पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल, फिर ये कार्बन, कार्बन आगे फ्लोरीन से, यहाँ कार्बन कार्बन से, तो टू इसको मिलेगा, थ्री इसको मिलेगा, फोर इसको मिलेगा। अब देखो पहला ही क्वेश्चन, एक से चार की तरफ जाऊं या तीन की तरफ जाऊं, तो मैंने बोला चार की तरफ जाना है, रोटेट हुआ मैं क्लॉकवाइज आर सेम रखूं या चेंज करूं, सेम ही सेम रखना पड़ेगा, जहां चार चाहिए वहां है, तो इसका तो आर है, इसको डिस्कस करते हैं, तो सल्फर ये कार्बन से पहले फर्स्ट, हाँ फर्स्ट नाइट्रोजन से, कार्बन से, तो नाइट्रोजन का हायर एटॉमिक नंबर है वन, फिर ये कार्बन सल्फर से, ये कार्बन ऑक्सीजन से, तो थ्री और ये फोर, वापस एक से मैं किधर जाऊंगा, चार की तरफ जाना, ये ध्यान रखना रोटेशन का, अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चा रोटेशन में गलती कर देता है, तो ये रोटेट हुआ वापस में एंटी क्लॉकवाइज, बट जो आया उसका चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा आ रहा था बट उसका चेंज करूंगा तो इसका आ रहा था। इसकी बात करें तो ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन आगे किससे है, कार्बन से, कार्बन से, और ये भी कार्बन से, बट ये कार्बन आगे ऑक्सीजन से है, तो एक नंबर इसको मिलेगा बिल्कुल, फिर दो नंबर इसको मिलेगा, तीन नंबर इसको मिलेगा, चार नंबर इसको मिलेगा, चार अपनी जगह, दो चार, अब इसमें चेंज तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्थ बिलो द प्लेन, तो तीनों का यार आ गया, ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर सही है, सिंपल सा कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, पीछे का अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो पीछे वाला कंसेप्ट देखें, वो अप्लाई करें। नेक्स्ट वेल है सर, C4H10Cl2 n आइसोमर, n आइसोमर, तो पहले तो देखो आप जानते हो कि C4H10 का C4H10 जो है इसका अगर आप निकालो DU तो इतना आएगा जीरो, इसका मतलब पहले तो ये एल्केन है, अब एल्केन है तो C4H10 के हमारे आप जानते हो कि दो स्केलेटन पॉसिबल होते हैं, एक तो एन ब्यूटेन और एक क्या होता है इसका आइसो ब्यूटेन। अब हमें इस पर लगाना दोस्तों क्या है सीएल, अरे हाँ सीएल लगाना, जब आप सीएल लगाओगे इस पे तो कहां कहां सीएल लगा सकते हो, ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जी, ये 11th क्लास के आंसर, 11th क्लास के आंसर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप हाइड्रोजन को किससे सब्स्टिट्यूट कर देते हो Cl के साथ, तो यहां पे दो जगह से कर सकते हो CH3CH2CH2CH2Cl, एक तो ये हो गया, प्लस यहां पे भी लगा सकते हो CH3CH2CHClCH3, पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं, मतलब 1 सेकंड सर, तो इसका मतलब ये हुआ आपने रिएक्शन करवा दी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन, हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट देंगे, तो इसमें हाइड्रोजन अगर हम चेक करें तो देखो ये वाला हाइड्रोजन सेम है बिल्कुल, तो इसको तो मैं वन वन टाइप बोल दूं बिल्कुल, और ये दोनों सेम है तो ये टू टाइप हाइड्रोजन, तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार यहां लगाऊंगा तो ये बना दिया आपने, एक बार यहां लगाऊंगा तो ये बना दिया, ऐसे इसमें चेक करूंगा तो ये तो तीनों सेम है, तीनों सेम है,
और अच्छा इसमें एक चीज और है कि अगर बाय चांस किसी को जैसे ये पॉइंट नहीं लगा रहा है, तो आप एक काम कर लो, आप इसका नेमिंग कर लो, अगर नेम सेम आ गया तो इसका मतलब स्ट्रक्चर सेम है। तो देखो इन दोनों के नेम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आपकी इच्छा है यहाँ वहां लगा के देख लो, नेम सेम ही आएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चरल तो दो बने, वैसे सर इसके कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? भी दो बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, CH3CH3CH2Cl प्लस CH3 कार्बन Cl CH3 और ये CH3, इसके भी दो प्रोडक्ट, दो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है, आइसोमेरिक प्रोडक्ट बोला है। तो आइसोमर तो भैया स्ट्रक्चरल भी होते हैं और स्टीरियो भी होते हैं, तो जब भी ऐसी बात करें टोटल की बात करें तो हमें स्टीरियो भी देखना पड़ेगा। ये रहा सर एक कायरल सेंटर, बाकी कहीं भी कोई कायरल और ज्योमेट्रिकल नहीं है, और एक कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल है तो दो आएगा इसका। क्यों मतलब इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। और मैंने अभी बोला था ना पीछे कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है, वो उसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ये मिरर इमेज भी कंसीडर करूं टोटल में? बिल्कुल टोटल आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों कंसीडर करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आइसोमेरिक प्रोडक्ट जो आए हैं वो टोटल आए 5। एन का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 5 आ गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अब क्या करते हैं हम जानते हैं कि जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिफरेंट होता है, जब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी वेपराइज, पहले फ्रैक्शन हो जाता है, पहले उसका फ्रैक्शन हो जाता है। बट दिक्कत अच्छा, तो अब बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो किसका डिफरेंट होगा? जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बट स्टीरियो जैसे इनेंशियोमर, आपने पढ़ा होगा कि इनेंशियोमर की अकायरल एनवायरनमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टी, इनेंशियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। मतलब उनका चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सब क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए उनको हम इस फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाते हैं। मतलब ये है सर, मैं ये बता दूं कि अगर मिरर इमेज है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ये सब क्या होगी? सेम होगी। सेम एक्सटेंट के साथ सोल्यूबल होंगे, सेम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का होगा, सेम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का होगा। तो ये तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर ही तो है। इनका तो इनका तो जब ये हमारे पास मान लो यहाँ टोटल प्रोडक्ट 5 थे, बट जब मैं इसको फ्रैक्शन करवा रहा हूँ तो यहाँ 4 ही मुझे मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम टेम्परेचर में क्या आएंगे? बाहर आएंगे। ये दोनों को तो हम सेम टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लगा तो फिजिकल मेथड रहे हो ना, अब फिजिकल मेथड लगा रहा हूं अलग करने के लिए, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। तो ये फिजिकल मेथड से अलग नहीं हो पाएंगे। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 5 और 4 ऐसा ऑप्शन चेक करें तो ऐसा ऑप्शन है सेकंड, तो आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट ओके, डीएल कॉन्फिगरेशन ऑफ अबाउ कार्बोहाइड्रेट। सर ये क्वेश्चन एक बार एडवांस में भी आया हुआ है, इसी टाइम में कुछ पूछा हुआ है। तो बच्चों को पहले डीएल का कंसेप्ट बता देते हैं, उससे बाद में सॉल्व हो जाए। तो देखें भैया डीएल का कंसेप्ट देखें, आपको इन कार्बोहाइड्रेट, मैं किसका बता रहा हूं? कार्बोहाइड्रेट का बता रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको करनी है नंबरिंग, और नंबरिंग आपकी टॉप टू बॉटम आनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे एन तक ऐसे आनी चाहिए। यदि आपकी नंबरिंग ऐसे चल रही है, 1 बॉटम टू टॉप चल रही है, तो उसको रोटेट करना पड़ेगा। फिर अगर ऐसे चल रही है, बॉटम टू टॉप चल रही है, 1, 2, 3, 4, तो इसको आप 180 से क्या कर दो? रोटेट कर दो। तो रोटेट करोगे 180 से इन द प्लेन, क्योंकि फिशर को इन द प्लेन 180 से रोटेट करने पे सेम बनता है, आइडेंटिकल बनता है। तो ये फिर इसी कंसेप्ट में वापस आ जाएंगे हम, टॉप टू बॉटम ही हो जाएगा। फिर आपको लास्ट कायरल सेंटर पे, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? सेकंड स्टेप एट लास्ट कायरल सेंटर, इस पे चेक करना है कि यदि एच लेफ्ट में है और OH राइट में है तब तो एल कॉन्फिगरेशन, एल, और यदि एच इधर है और OH इधर है तो डी कॉन्फिगरेशन। मतलब एच लेफ्ट में है बट होना चाहिए एच और OH के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो इसी कंसेप्ट पे हो जाएगा सर। बिल्कुल लगाएं कंसेप्ट, बिल्कुल लगाएं। चलो सबसे पहला
नंबरिंग फंक्शन ग्रुप ये है 1 2 3 4, मतलब सर ये तो नीचे से हो गई, ये तो नीचे से हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा करना पड़ेगा, सीधा करो, नीचे से नहीं चलेगा काम, तो बॉटम आना चाहिए 1 2 3 4, टॉप से आना चाहिए, तो टॉप से कर लेते हैं। ये लो सर, इसको 180 से बड़े बड़े को घुमा देता हूँ, ठीक है, ये सी एच ओ और इधर ये सी एच टू ओ एच, उधर चला गया ओ एच, इधर एच, उधर चला गया एच और इधर ओ एच, 1 2 3 4, हाईएस्ट कायरल सेंटर ये हो गया क्या? लास्ट कायरल सेंटर हमारा ये है। अब लास्ट कायरल सेंटर पे हाईएस्ट या लास्ट बोल सकते हैं, लास्ट कायरल सेंटर पे ओएच चूंकि लेफ्ट साइड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा हमारा, एल। इसको भी करें रोटेट, क्योंकि इसमें भी देखो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4, ये भी उल्टा है तो इसको सीधा कर दो, रोटेट कर दो इसको साथ। लो कर देते हैं सर, ये सी एच ओ हो गया, ये सी एच टू ओ एच हो गया, उधर चला गया एच, इधर ओ एच, एच और ये ओ एच, ठीक है? तो ये नंबरिंग तो ऊपर से हो रही है, थ्री फोर, बट इस हाईएस्ट कायरल सेंटर पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, एच और ओ एच होना चाहिए, वो नहीं है, तो सर यहाँ हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कौन सा, इवन इंटरचेंज या थ्री ग्रुप रोटेशन भी कर सकते हैं, इवन चेंज, हाँ वो एक की बात होती है, तो इवन चेंज करते हैं, मतलब इसमें ओएच को मुझे याद आना है, बात ये है सीधी सी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सी एच ओ और यहाँ पे ये एच ओ एच, इसको तो चेंज नहीं किया मैंने, सी एच टू ओ एच को नीचे ले आया, ओ एच को इधर ले गया, एच को यहां ले आया, बट ये तो एक बार चेंज हुआ, दो बार करना है तो दो बार फिर ओ एच को इधर और एच को इधर। अब इस पे चेक कर लो कौन सा कॉन्फिगरेशन आता है सर, एल आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो एल डी एल, जैसा कि सर ने बताया इवन इंटरचेंज, जैसे आपको आपको क्या चाहिए, आपको जैसे बताया है कि भाई एच ओ एच ऐसा चाहिए, आपको इस लाइन पर चाहिए, तो इस लाइन पर लाने के लिए आप देखो इसको इधर, या तो आप ऐसे कर लो कि आपको जैसा बताया ना 1 2 3 4 ऐसे चाहिए वर्टिकल, अब आपका 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है तो इसको इधर खींच लो, जब इसको इधर खींचोगे तो इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ओएच फिर भी किधर आएगा, लेफ्ट साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा हमारा, मतलब इवन चेंज कर दो या इवन चेंज सर वाले मेथड से, जैसे भी कर दो, 1 1 मतलब नंबर ही वर्टिकल ले आओ बस, सेकंड, हां नेक्स्ट, ये लो सर मीजो का क्वेश्चन आ गया, मीजो क्वेश्चन देखो आ गया, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था मीजो में कि मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें पहले कायरल सेंटर हो और साथ में प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, पहले एटलीस्ट टू कायरल सेंटर हो, टू कायरल, तो इसमें ये भी कायरल सेंटर है, ये भी है, तो ये हो सकता है, हो सकता है, इसमें ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी हो सकता है, इसमें ये कायरल सेंटर हो गया, ये भी है, ये भी हो सकता है, इसमें कायरल सेंटर है नहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब कायरल सेंटर आने के बाद हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी होती है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नीचे ये है, ऊपर ये है, तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें लग जाएगी क्या सर, ये वाली, हाँ ये वाली लग जाएगी, इसमें थोड़ा सा वैसे तो चाहे तो इसका आप डायरेक्ट भी लगा दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, बट चलिए डायरेक्ट ही लगा दीजिए, तो ओनली मीजो आ गया, ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ये लो वापस उसी का फॉलोइंग इज अकायरल मॉलिक्यूल, तो अकायरल किसको बोलते हैं, जैसा कि बताया था जिसमें प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो उसको अकायरल मॉलिक्यूल, या शायद सीधे सीधे बोल दो उसमें कि कायरल सेंटर, इसमें जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो कि कायरल सेंटर जिसमें नहीं है वो भी अकायरल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है तो वो कायरल होगा, हां तो इसमें ये कायरल सेंटर है या नहीं है, ये देखो इसमें तो, अब देखो इसमें देखने से तो लग रहा है कि ग्रुप सेम है ना, लेकिन आप जानते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, मतलब ये वो है, वो वाला, हाँ सर, तो इसमें क्या है कि ये कहने का मतलब ये स्टीरियो सेंटर है, इसमें ये स्टीरियो सेंटर की तरह काम कर रहा है, नेक्स्ट देख लीजिए सर एक बार, ये तो कायरल सेंटर नहीं है सर, ये नहीं है सर, कायरल सेंटर है, ये इधर से अलग अलग है, तो कायरल सेंटर ये है, तो एक कायरल सेंटर है तो ये तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ये तो कायरल है, और ये भी कायरल है क्योंकि स्यूडो कायरल सेंटर है, तो ये भी कायरल है, क्योंकि अगर इसको प्लेन लगाओगे ना तो इधर जेड आएगा, इधर ई आएगा, तो वो लगेगा नहीं ना, नहीं लगेगा, इसमें बात करें तो इसमें इस वाले में तो कायरल सेंटर ही हो जाएगा सर, तो ये भी कायरल हो गया, अब इसकी देख लेते हैं, इसके देख लेते हैं, ये कायरल ही नहीं है क्योंकि यहां भी ये ई है, यहां भी ई है, तो एक कायरल, आप चाहे तो इसका आप
ओरिएंटेशन ई जेड आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, दोनों का ई ई ही आ जाएगा, तो हर तरह से वो स्टीरियो सेंटर नहीं है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड आर, इन स्ट्रक्चर में हमें रिलेशन पूछना है। तो सर इसको ऐसे जब रिलेशन का क्वेश्चन आए ना तो इसको हम पीसर में लेकर के, क्योंकि पीसर बहुत इजी वे में इमेज इजी दिखता है वो आसानी से, तो पहले तो आप इनको सा हॉर्स या न्यूमान हो तो आप उसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बना लें ताकि वो आसानी से, और रिलेशन बनाना बताया ही है वैसे, तो एक बार ये न्यूमान से न्यूमान है तो इसको हम फिशर में ले जाते हैं। अब मेरी लाइन को ध्यान रखा, पीसर हमेशा किससे बनता है, इक्लिप्स स्ट्रक्चर, इक्लिप्स है तो ये तो स्ट्रक्चर कौन सी है, ये तो स्टैगर्ड अभी दिख रही है, अभी इसको इक्लिप्स बनाते हैं ना, इक्लिप्स बना देते हैं। तो इक्लिप्स बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, इस आगे वाले कार्बन को रोटेट कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप जिसको मर्जी रोटेट कर लो, सी ओ एच, होपफुली आप जब भी सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा जो ऊपर की तरफ हो उसको नीचे की तरफ लेके आओ, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो ये सी ओ एच हुआ, इसको रोटेट करूंगा मैं नीचे की तरफ लाया तो ओ एच उधर चला गया और इधर कौन आ गया, पीछे वाला, पीछे वाला सी ओ एच, और इधर आपके पास है, ये पीछे वाला नीचे है ना, हाँ नीचे है सॉरी, हाँ हमें वही तो बनाना है, ओके तो यहाँ पे ये सी ओ एच और उधर चला गया आपके पास एच, वो तो हाँ, और इधर क्या हो गया ओ एच, तो पीछे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा हमें चाहिए था वैसा का वैसा दोनों हमारा, आप ऐसे कह सकते हो इसको, जैसे अगर हम इसको कहें तो आप इसको ऐसे कर लो, ऐसा बनाना, क्यों सर ऐसा बनाना है, नहीं ऐसा बनाना है सीधी सी। अब इसकी बात करें तो इसमें भी मैं रोटेट कर देता हूं इसको, ये सी ओ एच, ये ओ एच उधर चला गया, एच इधर आ गया, उसमें ओ एच यहां है, सी ओ एच यहां है, और ये एच यहां है। अभी मैं इसको फीसर पे लेके आऊं, ले जाओ फीसर, तो फीसर पे इसको वापस ऐसे डायरेक्ट ही हमें इसको खड़ा करना है, तो इसको ये ऊपर सी ओ एच, नीचे भी सी ओ एच, इधर एच और ओ एच, और इधर एच और उधर एच और इधर ओ एच, इसको भी इसका भी बना दूं, बिल्कुल, तो ये सी ओ एच, ये सी ओ एच, सॉरी यहां सी ओ एच है, ओ एच है, तो ये ओ एच, ये सी ओ एच, एच एच और ये ओ एच, बट कंपेरिजन करें तो सी ओ एच इसका भी वही लेके आ जाए, बिल्कुल दोनों को सेम करना जरूरी है भाई फिशर में, तो कर देते हैं इस सी ओ एच को, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इवन थ्री चेंज कर दीजिए या जो भी कर दीजिए, इवन चेंज करते हैं, तो आप ये देखो ये सी ओ एच उधर गया, फिर ये ओ एच इधर आया, ओ एच को उधर लेके गया, फिर ये एच और ये सी ओ एच, एच और ये ओ एच, अब ये ओरिएंटेशन दोनों का सेम हो गया। अब देखो नीचे वाले पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल इस पे तो सेम है, और ऊपर वाले पे चेंज है, तो एक पे सेम है एक पे डिफरेंट है, ना तो मिरर इमेज है ना आइडेंटिकल है, डायस्ट्रियोमर है, ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है थर्ड, तो आंसर जाएगा थर्ड। वही कहने का मतलब है कि जैसे एक देखो सेंटर फिक्स हो गया और ये वाला क्या है अपोजिट है, तो एक दूसरे के क्या हो गया डायस्ट्रियोमर। तो ये थे 20 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर के, बेसिकली हमने फोकस किया आइसोमेरिज्म पे, जेई मेन और एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी थे, स्टीरियो पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि एडवांस का मटेरियल ज्यादा स्टीरियो पे ज्यादा फोकस रहता है। ये सब चीज आप देख रहे थे सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब किए, जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, और होपफुली आप सबने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन आपके पास 20 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।